तो आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पर ले चुके हैं दो छोटे साइज के आलू और तीन मेरे पास बैंगन है, क्योंकि हम खाने वाले सिर्फ दो लोग ही हैं तो मैंने थोड़ा सा ही लिया हुआ है। अब हम इसे काट कर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तब तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो मिलते हैं। यहाँ पर आलू बैंगन टमाटर मैंने तैयार कर लिए, बस इसे धुलना है। यहाँ पर मैं आलू बैंगन टमाटर और एक मिर्ची धुलकर रेडी कर ली हूँ। अब चढ़ाती हूँ कढ़ाई और दिखाती हूँ किस चीज़ का तड़का लगाना है जिससे कि एकदम सब्जी स्वादिष्ट और बेस्ट बने। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हमारा तेल गर्म हो चुका है। गर्म तेल में मैंने डाल दिया यहाँ पर मेथी। सबसे ध्यान देने वाली बात ये होती है हमें किस सब्जी में किस चीज़ का तड़का लगाना चाहिए। तो दोस्तों बैंगन आलू की आप जब भी सब्जी बनाते हैं तो इसी चीज़ का तड़का लगाएं जो मैंने लगाया है। जैसा कि मैंने पहले मेथी का तड़का दिया, इसके बाद लहसुन कटी हुई तीन कली लहसुन थी, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने बाद में डाल के अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बैंगन और आलू जो हमने काट के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे चला भी दिया है। चलाने के बाद मैंने 2 मिनट के लिए ढक दिया था। ढकने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमाटर। तो दोस्तों ये मेरा जो तेल है, सरसों का तेल मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो सरसों का तेल कच्चा है, घर का है, तो ये पता नहीं क्यों इतना इसमें बबल्स उठते हैं, मालूम नहीं है, पर सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने हल्दी भी डाला है, मसाला भी डाला है। तो हल्दी दोस्तों आप पता है थोड़ा डाल सा रही हूँ यहाँ पर मसाला, तो ये महाराष्ट्र में चलता है गुड़ा मसाला। और अभी तक अपनी इधर का मसाला था, अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं आज बस का ही था, मैं पूरा पॉलीथीन ही लेके डाल रही हूँ। अब इसको कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से धीमी आँच में पकाऊंगी। मैंने मसाला भी ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाई थी, क्योंकि आलू हमारा जो पका रहेगा तो जो हम हल्का सा पानी डालेंगे तो थोड़ी देर में ये पक जाएगा और हमारी अच्छी सी बन जाएगी सब्जी। और अगर हम तुरंत ही पानी डाल देते हैं तो हमारा मसाला भी पका हुआ नहीं होता है और आलू भी पका हुआ नहीं होता है, जिससे कि बाद में सब्जी देखने में भी नहीं अच्छी लगती और टेस्ट भी उसका कच्चा कच्चा टाइप सा लगता है। तो इसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पर मैं ऐड कर रही थी पानी, और हम दो ही लोग खाने वाले हैं तो इसलिए मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाली हूँ। और पानी डालने के बाद इसे मैं अच्छे से ढक के अच्छे से पकाऊंगी लमसम 5 से 6 मिनट, वो भी मीडियम स्लो आंच में। अगर आप आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मीडियम स्लो आंच में पकाएं, और आलू के पानी से ही ये आलू बैंगन की सब्जी पक जाती है, जो हम टमाटर डालते हैं उसी से पक जाती है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी बना सकते हैं सूखी सब्जी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी पक कर रेडी हो चुकी थी, तो मैं अच्छे से इसे आलू मिक्स कर रही हूँ जिससे कि हमारी जो ग्रेवी होती है वो गड्ढी दिखे। तो जब हम थाली में परोसते हैं तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, वो ग्रेवी अलग तरीके से दिखती है। दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था, आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी बताइए।